अज मैं बटाला शहर के अचानक दौरा किया क्योंकि अज असी दुपहरे डेंगू की स्थिति का जायजा लिया बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग जी डेटा सामने आया कि सेहत विभाग टीमों ने 11,300 घर लार्वा चेक किया। लार्वा तो मच्छर बनता है, मच्छर डेंगू फैलाता है। तो जी खतरे वाली गल है कि 2600 घर मतलब हर चौथे घर डेंगू का लार्वा पाया गया। ये डेंगू बीमारी कैसी है जिहड़ी कि जे घर वाले अपने घर के पानी ना जमा होने देन, लार्वे का मच्छर ना बनन देन, लार्वा ना बनन देन, तो असीं कंट्रोल च कर सकते हैं। क्योंकि एक बार ये जिहड़ा मच्छर हुंदा है गंदे पानी ते नहीं हुंदा, ताजे पानी ते हुंदा है। घर दे विच मनी प्लांट है, फ्रिज के हेठां पानी है, कूलर के विच पानी है, टायर के विच पानी है, कोई टुटे भांडे च पानी पिया, बाथरूम च कोई बाल्टी पुरानी पई है, उहदे ते मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। वह लार्वे का अगे मच्छर बनता है, वह मच्छर डेंगू फैलाने का काम करता है। इस वेले हालांकि बटाले से ज़्यादा केस नहीं है, पर जे लार्वे ने असी ना खत्म किया तो आने वाले 10 दिन के बरनाला शहर के डेंगू के बहुत ज़्यादा केसिस हो जाएंगे। सो मैं आप चैक करना आया तो मैनू भी देख लगता कमी हैगी है कि लोगों जानकारी घट है कि अपने अपने घर जो बासी पानी है वह डोल देन या बदल देन, नहीं तो तेल पा देन। जेकर असी लार्वे नूं मार दिंदे आ उह तां जे सौखा तरीका कि पानी बदल दिंदे आ तां असी डेंगू की बीमारी तो बच सकते हैं। क्योंकि डेंगू वाला जिहड़ा मच्छर हुंदा है ये विशेष किस्म का मच्छर हुंदा है, ये ज़्यादा लंबा उड़ के नहीं जाता, ये गंदे पानी से नहीं हुंदा, नाली के पानी से नहीं होएगा, ये ताज़े पानी से होएगा और उस घर के होएगा जिहड़े घर वाले अपने घर के ताज़ा पानी जमा होने देंगे। सो मैं सारे बटाला वासियों नूं बेनती करदा कि अपने अपने घर चैक करो, जे तुहाडे कदे पानी जमा होया पिया तो कृपा करके उहनूं हुणे डोल दिओ, अपने परिवार को अपने मोहल्ले वासियों गुआंढियों खतरे में ना पाओ। इस तो अलावा मैंने हुणे अपने कारपोरेशन की टीमों हिदायत जारी की है कि कल सवेर तो इन्हां दे इंस्पैक्टर साहबान जाके घर घर चैक करनगे, जेकर किसी घर के ताज़ा पानी जमा पाया गया और जो लार्वा पाया गया तो घर वाले नूं चलान कट के जुर्माना भी किया जाएगा, उसका कोई बुरा ना मनावे क्योंकि सारे शहर की सेहत की रखवाली लिए एक सख्त कदम लेना भी जरूरी है। और दूसरी गल, कारपोरेशन ने मेयर साहब में हमने गलबात की है, उन्होंने मैं भरोसा दवाया कि वो 2 दिन के टीम होर बढ़ा देंगे, शाम को 4 बजे तो लैके 7-8 बजे तक स्प्रे भी किया जाएगा। और मैं जिते जिते केस ज़्यादा हो रहे हैं मैं जगह भी बोल दिना, सब तो ज़्यादा केस हो रहे हैं अचली गेट के मियाँ महला, रामनगर, गांधी कैंप, हाथी गेट, इस तो अलावा खजूरी गेट, गुरु नानक कलोनी, मुर्गी महला, शास्त्री नगर, गुरदासपुर रोड, उमरपुरा, रामनगर, काजी मोरी, ग्रेटर कैलाश, आलीवाल रोड, महाजन कलोनी, गांधी कैंप, मलावे की कोठी, इन्हां दे विच ज़्यादा खतरा बनिया होया है। तो इन्हां इलाकों के वसनीकों नूं मैं बेनती करदा, अपील करदा कि जदों मेरी आवाज़ तुहानूं सुनाई दिंदी है सोशल मीडिया से जां न्यूज़ नैटवर्क के राहीं, तुरंत अपने अपने घर चैक करो, जे कि ताज़ा पानी खड़ा है तो तुरंत उन्हें डिस्ट्रॉय करो, बदल दो, तेल पा दो, पर लार्वा ना पनपन दो। नहीं तो जो आंकड़े ने 11,000 घर 2600 घर लार्वा इसलिए पनप रहा है, सीधा सीधा डेंगू असं बुलावा दे रहे हैं। तो मैं पुरजोर शब्दों के बटाला शहर के नगर साढ़े जिन्हें कौंसलर साहबान है, मेयर साहब ने, इतने SMO साहब डॉक्टर लजबे नाल खड़े ने, कमिश्नर साहब डॉक्टर गरेवाल ने, ये सारे बेनती करदा कि शाम को आप भी चक्कर मारन, हर काउंसलर अपने गले मजे जाए चैक करे और लोगों को प्रेरित करे कि घर पानी ना जमा हो दे। तो जेकर किसी को बुखार आ गया तुरंत अपनी जांच कराओ, डेंगू का इलाज बिल्कुल हो जाता, घबराने की कोई लोड़ नहीं है, पर समय से इलाज कराओ ताकि बीमारी का कोई नुकसान ना हो सके। यही वास्ते मैं जाया, यही मैं अपील कर रहा। इस वे हूँ तो 45 केस हुए ने जो दस रहे जी अभी, महा जो मैं इलाकों के नाम बोले इन्होंने हुए ने, मैं फिर दस देना, अचली गेट 5 केस हो चुके हैं, मियाँ महला 4 केस ने, रामनगर 4 केस ने, हाथी गेट 5 केस ने,
बाकी जो मैं नाम बोले ने खजूरी गेट इतने एक एक दो दो के सारे पास हुए भी ने। यह साढ़े 18 इलाके जो ज़्यादा प्रभावित ने और इतने ही सू मैं खतरा होर ज़्यादा बनया हुआ है बीमारी फैलने।